वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास आज पांच वर्ड्स हैं जिनको कंट्रोल करना है। पहला वर्ड है मिसोजेनिस्ट, दूसरा वर्ड है मोबोक्रेसी, तीसरा मेटिकुलस, चौथा मेडन स्पीच एंड एट लास्ट पांचवा नंबर मर्सेनरी। पहले प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं इसका, इसको बोलते हैं मिसोजेनिस्ट, दूसरा है मोबोक्रेसी मोबोक्रेसी, तीसरा है मेटिकुलस, चौथा है मेडन स्पीच, पांचवा है मर्सेनरी। मर्सेनरी नहीं, मर्सेनरी, इसका उच्चारण होता है मर्सेनरी। तो ये पांच वर्ड्स हम आज कंट्रोल करेंगे। देखिए, मिसोजिनिस्ट हिंदी होती है नारी द्वेषी, नारी से द्वेष करने वाला। क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स? अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, अ पर्सन, एक आदमी जो हेट्स, द्वेष करता है, हेट्स मतलब द्वेष करता है, घृणा करता है, वीमेन मतलब वीमेन से, तो वो करता है करती है, मेन और वीमेन दोनों हो सकते हैं। तो पर्सन हु हेट्स वीमेन, ऐसा पर्सन जो वीमेन से हेट करता है या करती है, द्वेष करता है, तो उसे बोलेंगे नारी से, वीमेन तो नारी, तो नारी से द्वेष करना नारी द्वेषी कहेंगे, मिसोजिनिस्ट कहेंगे, यहाँ पे जी वाई को जिनी जी पढ़ेंगे, तो मिसो और फिर दूसरी बार में जिनिस्ट पढ़ेंगे आप। फिर है मोबोक्रेसी भीर तंत्र, मोबोक्रेसी, देखिए मोबो और फिर क्रेसी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन बाय क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है, क्राउड मतलब भीड़, तो ऐसी सरकार जो चलाई जाती है भीड़ के द्वारा, उसे बोलेंगे भीड़ तंत्र। तो भीड़ तंत्र के लिए अब यहाँ पे मॉब मतलब भी भीड़ होता है, मॉब का मतलब भी भीड़ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र। देन नाउ अनदर वर्ड इज मेटिकुलस, मेटिकुलस की हिंदी होती है नुक्ताचीन, नुक्ताचीन मतलब बहुत ही केयरफुल तरीके से देखना जांचना। देखिए, अ पर्सन हु इज टू केयरफुल, ऐसा पर्सन जो बहुत ही आवश्यकता से अधिक केयरफुल होता है, यहाँ पे टू लिखा है, तो ऐसा पर्सन जो आवश्यकता से अधिक केयरफुल होता है, फॉर डिटेल्स, जानकारियों के लिए, ऐसा पर्सन जो जानकारियों के लिए आवश्यकता से केयरफुल होता है, और फास्टिडियस होता है, फास्टिडियस भी एक कहें तो वर्ड है जिसके लिए होता है वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हु कैनॉट बी अपीज इजिली, जिसको आसानी से खुश नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। तो जो फास्टिडियस होता है, चाहे वैसा पर्सन जो जानकारियों के बारे में बहुत अधिक केयरफुल होता है, उसे बोलते हैं नुक्ताचीन, इंग्लिश में बोलते हैं मेटिकुलस। फिर है मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, अ स्पीच विच इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिस तरह से ये हिंदी है वैसे ही इंग्लिश में भी स्पष्ट हो रहा है, स्पीच भाषण, विच इज मेड, जो दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, उसे बोलते हैं मेडन स्पीच, फर्स्ट, प्रथम भाषण। फिर है लास्ट वर्ड मर्सेनरी, मतलब भाड़े का सैनिक, मतलब ऐसा सैनिक जो भाड़ा पे लिया गया है, भाड़ा पे लिया गया मतलब उनको पैसा दिया जाता है लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं मर्सेनरी। इंग्लिश में देखते हैं वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ के लिए होता है के लिए, तो वन हु फाइट्स, वह जो लड़ता है मनी, पैसा के लिए, तो जो पैसा के लिए लड़ता है उसे बोलते हैं भाड़े का सैनिक, मर्सेनरी। तो इस तरह से हमारे पांच वर्ड्स आज के, मिसोजिनिस्ट नारी द्वेषी, इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, दूसरा मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र, द गवर्नमेंट रन बाय क्राउड, फिर मेटिकुलस नुक्ताचीन, अ पर्सन हु इज यहाँ रहेगा टू केयरफुल फॉर डिटेल्स और फास्टिडियस, बोलते हैं मेटिकुलस, मेडन स्पीच, अ पर्सन विच इज, A speech which is made for the first time, maiden speech, प्रथम भाषण, mercenary, one who fights for the sake of money, भारे का सैनिक, हिंदी है इसका। इस तरह से आज के पांच वर्ष खत्म होते हैं।